हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग आ पहुँचे हैं बारबेक्यू नेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा रिश्ता तो काफ़ी पुराना है बारबेक्यू नेशन से। हमें आना बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें यहाँ की खाने की चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो आज हम लोग फिर से आ पहुँचे हैं बारबेक्यू नेशन। तो हमने क्या क्या खाया, हमने क्या क्या आज, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखने वाली है। हमने रिज़र्वेशन ऑलरेडी पहले से की हुई थी। जिन लोगों को नहीं पता है बारबेक्यू नेशन की रूल, मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ आने के लिए रिज़र्वेशन करना होता है। एंड आप ऐप से करेंगे तो स्माइलीज भी मिलती हैं आपको। हमने ऐप से ही करती हूँ, मैं जनरली ऐप से ही करती हूँ, तो स्माइलीज एंड ऑल मिलती रहती है, रिवॉर्ड्स। और किसको अच्छा नहीं लगता है डिस्काउंट, तो आप भी चाहें तो ऐप से कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए रिज़र्वेशन बेस्ट रहता है। विदाउट रिज़र्वेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा रश रहती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सीट मिलने में। और ये हम लोग मेन्यू देख रहे हैं, यहाँ की फ्रेश ड्रिंक्स बहुत अच्छी होती हैं। हमने कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स में ऑर्डर किया है फ्रेश लाइम सोडा स्वीट, जो कि हमें बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। हम कहीं भी जाते हैं एक बार ट्राई ज़रूर करते हैं। और फ्री की पानी जो पी लेती हूँ, क्योंकि इतनी थक गई हूँ ना मैं आते आते, प्यास तो लगी गई है। हमने ऑर्डर कर दिया था तो ये हमारे आगे हैं। यहाँ फर्स्ट ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक होती है, जिन्हें नहीं पता ये उन लोगों के लिए है। यहाँ पे आप आएंगे तो ये फर्स्ट ड्रिंक आपको फ्री में मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे डिशेस होते हैं तो उनके साथ ये फ्री रहती है। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छा है हमारी ड्रिंक। अब ये थोड़े शॉर्ट्स मैंने लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे। या तो मैं उनकी वीडियो ले रही हूँ, मुझे इनको वीडियो करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब ये स्माइल करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लगते हैं। तो बस उसके बाद हमारी स्टार्ट हो गई थी आइटम्स आना। पनीर टिक्का, पाइनएप्पल है, ब्रोकली है। पहले ये लोग वेज से शुरू करते हैं, बट हम लोग कभी भी वेज नहीं चूज़ करते हैं। वेज पसंद है बट उतना ज़्यादा नहीं। तो बारबेक्यू नेशन तो नॉन वेज ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। तो ये पनीर टिक्का हमारा फेवरेट। उसके बाद ये गोलगप्पे। वैसे तो हम बाहर में गोलगप्पे बहुत खाते हैं, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा आइटम्स होते हैं ना कि क्या क्या खाए टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो गोलगप्पे यहाँ मतलब 4-5 में ही डन हो जाते हैं। ओके, तो ये है फाइनली। मैं मुझे बहुत दिन से मन कर रहा था, ये नॉन अल्कोहलिक बियर है। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था हमेशा से, बट मैं कभी भी पी नहीं पाती थी। बट दिस टाइम वी थॉट कि फाइनली हमें पी लेना ही चाहिए, वंस ट्राई तो करना चाहिए। तो इसलिए हमने ये मंगाया। वैसे ये बाहर स्पेंसर एंड ऑल में मिल जाते हैं, बट बारबेक्यू नेशन में तो यहाँ तो पीने का अलग ही मज़ा है। बाहर में भी ख़रीद के इफ़ यू वांट आप पी सकते हैं, ज़्यादा की नहीं आती है, ऑन एवरेज प्राइस इज़ ओके ओके। तो ये पूरे ग्लास फिल हो गए, तो मैंने इन्हें बोला ये गिर तो नहीं जाएगा, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये ऐसे ही होता है, यहाँ ये ग्लास पूरे फिल हो जाते हैं, ये बॉटल के, इस बॉटल से ज़्यादा इसमें नहीं आता, ये पूरा आ जाता है, ये वही मुझे समझा रहे थे। यहाँ आए तो ये ड्रिंक ज़रूर ट्राई करें। ये पीच था आई थिंक, यस ये पीच है। तो आपको भी पसंद आएगा, मुझे तो बहुत पसंद आया, हम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ही यमी था। आप लोग में से बताएं आप लोगों को क्या पसंद है बारबेक्यू नेशन जाना ऑन एवरी ओकेज़न, नॉट ओकेजनली, ऑन एवरी ओकेज़न। ये हमारे खाने की प्लेट है, कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा यमी होती है यहाँ का खाना। यू मस्ट ट्राई, यू मस्ट ट्राई बारबेक्यू नेशन, आई लव यू। आप लोगों को जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। मेरी मोस्टली वीडियोस देखा होगा आप लोगों ने, शॉर्ट्स भी और वीडियोस भी, बहुत ज़्यादा ही वीडियोस है बारबेक्यू नेशन की। सॉरी टू से, बट बारबेक्यू नेशन हमें स्पॉन्सर तो नहीं करता है, बट हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए हमारी छोटी सी वीडियो, कितनी क्यूट लग रहा है ना हम दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह।
बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे हैं हम दोनों। ये हम इंजॉय कर रहे हैं हमारी मील। और यहाँ की मुझे बोलना चाहिए, यहाँ के जो भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमेशा हमेशा जब भी जाओ बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं एंड बहुत अच्छा इनका बिहेवियर होता है। आई मस्ट से अप्रिशिएट करना चाहिए इन लोगों को। ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के वर्कर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये वीडियो बनाया। आई एम सॉरी आपकी नेम याद नहीं है, बट थैंक यू सो मच। और ये हमने नेक्स्ट ड्रिंक अपना मंगाया, तो जनाब इंजॉय कर रहे हैं ड्रिंक। देखने में कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ, पीने में भी बहुत ही अच्छी थी, हमने पी लिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी। ये जो थे बारबेक्यू नेशन के वर्कर, ये मेनली जूसेस एंड ड्रिंक्स बनाते हैं और ये काफ़ी अच्छे से बनाते हैं, ये काफ़ी एक्सपर्ट हैं ड्रिंक्स के मामले में। तो ये तब से बना रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखने में, तो मैंने सोचा कुछ वीडियोस इनकी भी ले लेती हूँ। ये काफ़ी मेहनत कर रहे थे, मैं देख रही थी, और काफ़ी अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रहे थे और इनकी ड्रिंक्स काफ़ी यमी थी, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये बना रहे थे, मुझे तो हर ड्रिंक्स के नाम नहीं पता है, बट ये काफ़ी अच्छे से बना रहे थे और देखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने शूट कर लिया। आई मस्ट से बारबेक्यू नेशन में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। कितने सुबह से आई थिंक 12 o'clock खुलता है और रात के 12-1 बजे बंद होता है, और रेगुलरली ये लोग एक्टिव होते हैं। हमें खाने में तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट वर्कर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तभी हमें इतना कुछ मिल पाता है। और ये ड्रिंक्स बनाए जा रहे हैं और मैं बस देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ये बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत अच्छे से भी बना रहे थे ड्रिंक्स। काफ़ी अच्छी लग रही थी इनकी देखने में, डेकोरेशंस एंड ऑल काफ़ी अच्छा था। तो बस मैं देख रही हूँ और जनाब वहाँ आराम कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टार्टर खा के इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे ना, मैं थोड़ा वॉक करने लगी थी, हम लोग फुल हो गए थे स्टार्टर में ही। एक्चुअली हम लोग बारबेक्यू नेशन आते हैं डिज़र्ट के लिए और स्टार्टर के लिए ही ओनली, हम लोग मेन कोर्स कभी भी ट्राई नहीं करते, क्योंकि हमें बहुत ऐसा नहीं है अच्छी नहीं होती, अच्छी होती हैं, बट हमें बहुत ज़्यादा पसंद है स्टार्टर एंड देन डिज़र्ट। हम मेन कोर्स स्किप कर देते हैं क्योंकि हम एक्चुअली जेन्युइनली बोला जाए तो हम मेन फोकस करते हैं मेन कोर्स नहीं, स्टार्टर एंड ड्रिंक्स। ऑब्वियसली इतने प्यार से ये बना रहे ड्रिंक्स, कैसे नहीं हम पिए, बहुत अच्छा बनाते हैं ड्रिंक। इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी पिलाया था जो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, बहुत स्वीट नेचर के। यहाँ के ऑल स्टाफ्स वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। तो ये देखें जनाब, बिल्कुल टायर्ड। बस हम लोग स्टार्टर खा के ही बहुत टायर्ड हो गए थे, तो हमने सोचा अब चलते हैं डिज़र्ट की तरफ, थोड़ा देखा जाए, क्योंकि मेन कोर्स तो हमें खाना नहीं है, बिल्कुल भी हम टच ही नहीं करते, उधर जाते ही नहीं हैं। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूँ, यहाँ स्टार्टर्स होते हैं अनलिमिटेड, उसके बाद आप मेन कोर्स अनलिमिटेड खा सकते हैं और फिर डिज़र्ट भी आप अनलिमिटेड खा सकते, कुछ भी खा सकते हैं, और एक अमाउंट चार्ज होते हैं आई थिंक 900 समथिंग GST लेके, एंड मैं नॉन वेज की बता रही हूँ, और वेज की शायद 800 और 700 समथिंग होता है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है वेज की। तो यहाँ पे हमारी तो मेन कोर्स हमने स्किप कर दी, तो हम डायरेक्ट मूव कर गए डिज़र्ट की तरफ। तो यहाँ पे देखें ब्राउनीज़ ले रहे हैं और ये सब, ये हमारी बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है, हम लोग यही सब खाने आते हैं बारबेक्यू नेशन और कुछ भी नहीं। मेनली मैंने जैसा बहुत बार रिपीट कर दिया, एक्चुअली मुझे मतलब हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है स्टार्टर एंड देन, हम लोग मेन कोर्स ट्राई नहीं करते हैं। स्टाफ्स भी बोल रहे थे आप लोगों ने मेन कोर्स तो ट्राई नहीं किया, उन लोगों को लगा हमें पसंद नहीं आया, बट हमें पसंद है, बट हमारी चॉइस नहीं होती है यहाँ आने के बाद।
और डेज़र्ट तो हम लोग 3-4 प्लेट भर भर के लेने वाले हैं, बहुत सारे ही लेने वाले हैं। ये हमने ले लिया है, ये कुछ कस्टर्ड है एंड ये देखिए कितना क्यूट है ना ये। मैंने इन लोगों से पूछा क्या आप इन्हें भी वॉश करके फिर से डालते हैं, इन्होंने बोला यस हम ये वॉशेबल है। मुझे लगा ये डिस्पोजल है यूज़ एंड थ्रो, बट उन्होंने बोला नहीं ये वॉशेबल है, हम इसे वॉश करके फिर से इसमें डाल के ही लगाते हैं। कितना क्यूट, देखिए ये कितना क्यूट लग रहा है ना, बहुत यमी और बहुत टेस्टी था भी, बहुत ज़्यादा यमी, बहुत बहुत बहुत। यहाँ की खाने की चीज़ें में नो डाउट आप जितना भी पे करें ना आपको उसका 100% मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपका लॉस हो गया, बिल्कुल भी नहीं। जिन्हें लग रहा होगा ये वीडियो स्पॉन्सर है तो बिल्कुल भी नहीं, ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं है। बारबेक्यू नेशन वाले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी ये जेलीज है और ये देखें कितनी प्यारी लग रही है ना, छोटी छोटी सी ये बहुत यमी। अभी आगे देखते जाएं, हमने बहुत सारी आइसक्रीम्स खाई, अल्लाह कुल्फ़ी की तो जगह नहीं बची थी, बट मैं यहाँ की कुल्फ़ी तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकती हूँ। एंड में मुझे कुल्फ़ी चाहिए, चाहे मैं कितना भी फुल हो जाऊँ, यहाँ की कुल्फ़ी का अलग ही टेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा यमी। अब ये 2 प्लेट हमने भर लिया, अब हम जा रहे हैं अपने टेबल पे रख के और फिर से रिटर्न आएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, सोचे देखने में इतना अच्छा तो खाने में कितना अच्छा होगा। यकीन माने बहुत टेस्टी होता है यहाँ का खाना, सब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये हमने 2 प्लेट ले आया, अब मैं जा रही हूँ फिर से कुछ और भी लेकर के आने, उसके बाद हम दोनों फिर से निकल गए, चलें कुछ और लेके आते, इतने में क्या होगा, हमने तो और खाना है ना अभी। तो हम लोग फिर से अपने प्लेट की तरफ जाते हुए जा रहे हैं और लास्ट में उधर साइड में यहाँ से प्लेट लेंगे और उसके बाद अब हम लोग आइसक्रीम लेते हैं, क्योंकि पहले बारी में हम लोगों ने आइसक्रीम नहीं पिक किया तो अब हम लोग आइसक्रीम लेते हैं। मोस्टली बहुत सारे बारबेक्यू नेशन में मैं गई हूँ बट वहाँ पे एक फ्लेवर होते हैं 2, बट बाय लक यहाँ पे 3 फ्लेवर अवेलेबल थे। बटर स्कॉच, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हम दोनों की फेवरेट है बटर स्कॉच और यहाँ पे वनीला है। तो यहाँ पे 3 फ्लेवर एक्चुअली में अवेलेबल है, जनरली इतनी सारी फ्लेवर्स अवेलेबल नहीं होते, सॉरी 4 फ्लेवर्स, स्ट्रॉबेरी, वनीला, मैंगो एंड बटर स्कॉच, यहाँ पे 4 फ्लेवर अवेलेबल है। हमेशा के जनरली मैं जब भी गई हूँ 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं, बट यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि हमें 4 फ्लेवर्स मिल रहे हैं अनलिमिटेड, वो भी अनलिमिटेड, आप चाहे जितना खाएं। और वैसे ही हमने किया, हमने बहुत सारे लिए और ये बाहर का व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम लंच में गए थे तो टाइमिंग भी काफ़ी अच्छी थी और इन लोगों की डेकोरेशन हमने शूट किया, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में। ये देखो पूरा ये एरिया जो है कितना अच्छा लग रहा है, एम्बियंस कितना काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा। और ये मैंगो चल रहा था इस टाइम में। तो उसके बाद हम फिर से प्लेट लेकर के आ पहुँचे अपने टेबल पे। ये देखें हमने आइसक्रीम ले लिया, हमने 4 फ्लेवर ले लिया, वनीला, स्ट्रॉबेरी, मैंगो एंड बटर स्कॉच। उसके बाद मैं आइसक्रीम के साथ खाती हूँ ब्राउनीज़, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने हस्बैंड को बोला मुझे ब्राउनीज़ दे दे प्लेट में ही। और ये रही मेरी प्लेट, अब हम लोग ये देखें इतने सारे डिज़र्ट हम लेकर के आए हैं और चले। उसके बाद फिर हमने वो प्लेट फिनिश किया, उसके बाद हमें फिर से क्रेविंग होने लगी बाय द वे आइसक्रीम की, हमारा मन नहीं भरा तो हम फिर से आ गए आइसक्रीम लेने। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई मैंगो एंड बटर स्कॉच, तो हम लोग फिर से आ गए लेने के लिए। अनलिमिटेड है भाई, अनलिमिटेड है, पैसा वसूल। और आइसक्रीम तो ऐसे भी अच्छी लगती है, पेट में जगह ना भी हो तब भी खा ही लेता है बंदा। और यहाँ आके खाने का मज़ा ही अलग है, अपना ही मज़ा है वैसे। आप लोग भी जाएं, खाएं, मज़े करें, एंजॉय करें, बस यही तो है ज़िंदगी, खाओ पियो ऐश करो। बस उसके बाद हम लोग फिर से आइसक्रीम लेने आ गए हैं। अब ये 2 तो ले लिया हमने, अब ये 2 और लेंगे, उसके बाद फिर बैक टू अपने सीट पे जाएंगे हम लोग और फिर से एंजॉय करेंगे।
ये हमने फिर से इतना सारा जमा कर लिया है आइसक्रीम। ये देखा क्या मज़े की लग रही है ना देखने में, खाने में भी उतनी मज़े की थी। ये देखिए मैंने फिर से ब्राउनीज़ विद आइसक्रीम, और यकीन माने आप भी ट्राई करें ब्राउनी विद स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम एंड वनीला आइसक्रीम, मज़े की लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। आप लोग बिल्कुल खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। ये मैंने गलती की, मैंने प्लेट में ले लिया, और अब ये देखें मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ, प्लेट में नहीं लेना था, बाउल में लेना था, बट ये देखिए क्या हो गया है, ये आइसक्रीम मेल्ट होती जा रही है और ये जनाब उठ ही नहीं रहे हैं। बाय मिस्टेक मैंने ये किया, और ये देखिए आइसक्रीम हमारी, हस्बैंड उधर खा रहे हैं, ये इधर रखे हुए हैं, ये इसमें से भी खा रहे हैं, बस हम लोग खा रहे हैं। खाने के बाद देखते हैं, उसके बाद हमें शॉपिंग भी जानी है, तो हमने इसीलिए क्योंकि बारबेक्यू नेशन डिनर में तो हमसे नहीं हो पाता है क्योंकि इतने ज़्यादा फुल हो जाते हैं ना, उसके बाद तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रहा फाइनली ये ड्रिंक्स, हमें कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स फिर से मिली थी, और थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार के लिए, आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इज्जत दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये हमें लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स मिली थी, और ये काफ़ी ज़्यादा ही टेस्टी थी, देखने में तो खूबसूरत है ही, और खाने में भी पीने में भी बहुत ज़्यादा ही यमी है ये ड्रिंक। थैंक यू सो मच वन अगेंस्ट, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ज़्यादा हमें इज्जत दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए तो हम आते हैं, हमें यहाँ प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है, और हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है, किसी अच्छा नहीं लगता है, बस ये ड्रिंक इन्जॉय कर रहे थे और हम लोग यही बात कर रहे थे कि कितने अच्छे हैं, सो स्वीट ऑफ देम, कि बहुत अच्छा लगा ये जेस्चर हमें। और ये हूँ मैं, मैंने हस्बैंड के बोला मैंने आपकी वीडियो तो शूट कर ली, मेरी भी एक दो कर दे प्लीज़ फॉर द इंस्टाग्राम्स यू नो। बस ये सारी चीज़ें हो गई थी, उसके बाद मेरी बर्थडे थी, तो हस्बैंड ने बताया, यहाँ बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता है, यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशंस एंड ऑल होती रहती हैं, तो ये मेरे बर्थडे केक, बस उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, थैंक यू सो मच बारबेक्यू नेशन टीम, एंड उसके बाद मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया, बिना कुल्फ़ी के भैया हमारा तो कुछ नहीं होना, मैं यहाँ आऊँ और लास्ट में एक कुल्फ़ी ना खा के जाऊँ ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की कुल्फ़ी का जो टेस्ट होता है ना वो मार्केट में नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं, इसकी टेस्ट ही अलग होती है, बिलीव मी, इसकी टेस्ट अगर आप इसे टेस्ट करेंगे ना आपको बाहर की कुल्फ़ीज अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि पता नहीं ये लोग आई थिंक खुद से बनाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यमी होती है, बहुत ही ज़्यादा यमी, और ये मैंने मैंगो कुल्फ़ी ही लिया है, तो बस अब केक खाएंगे, कुल्फ़ी खाएंगे, वैसे हम लोग बिल्कुल फुल हो चुके थे, उसके बाद बस अब हम निकल गए थे वहाँ से क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, और बस अब हम पहुंच चुके हैं शॉपर्स स्टॉप, अब हम यहाँ कुछ शॉपिंग्स एंड ऑल करेंगे, हमें कुछ कुछ चीज़ें लेनी हैं। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे अब तक सपोर्ट किया है, जो हमारी वीडियोस देखते हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोगों के सपोर्ट से तो अब तक हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं, आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखें, कीप लविंग, बहुत प्यार दिखा रहे हैं आप लोग, थैंक यू सो मच। और आगे की वीडियो मैंने शूट नहीं किया, मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हमें रोक दिया गया था यहाँ पे कि आप अंदर की वीडियो शूट नहीं करते हैं, तो हम शूट नहीं कर पाए, उसके बाद फिर आगे की वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी खाने के बाद और शॉपिंग के बाद, तो थैंक यू सो मच।